आज का हमारे कहानी का शीर्षक है सफलता का बुद्ध मंत्र। गौतम बुद्ध अपने शांतिपूर्ण और सफल शिक्षाओं के लिए पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई एक छोटी सी कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी। अगर आप इस सीख को अच्छी तरह से समझ लें और अपने जीवन में सही तरीके से उतार पाए तो आप निश्चित ही अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तो ये सफलता का गुरु मंत्र क्या है, सफलता के लिए कौन सी सीख है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के शीर्ष सफलता का बुद्ध मंत्र। एक बार गौतम बुद्ध का एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुजी, मैं धर्म के प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ, कृपया कर आप मुझे इसके लिए आज्ञा दें। गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि क्या तुम सच में धर्म के प्रचार के लिए जाना चाहते हो। शिष्य कहता है, हाँ गुरुजी, मैं सच में जाना चाहता हूँ। मैंने आपसे जो शिक्षाएं ली हैं और जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी आपसे सीखा है, मैं उसे जन जन तक प्रचार व प्रसार करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करें। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें अवश्य इस कार्य के लिए आज्ञा दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्न के अचूक उत्तर देने होंगे। शिष्य कहता है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, शिष्य, जब तुम धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए जाओगे तो हो सकता है कि कुछ लोग या संपूर्ण लोग तुम्हारा सहयोग ना करें, तुम्हें असत्य कहें, तुम्हें भला बुरा कहें, तो क्या तुम उनके अशब्दों को सहन कर पाओगे। शिष्य कहता है, गुरुजी, यदि कुछ लोग मुझे अशब्द कहेंगे तो मैं यह सोचकर खुश हूँगा कि अशब्द ही सही, कम से कम वह मुझे कुछ कह तो रहे हैं, मुझ पर हाथ तो नहीं उठा रहे हैं। बुद्ध फिर कहते हैं, शिष्य, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर हाथ भी उठा दें। शिष्य कहता है, तब मैं यह सोचकर खुश हूँगा कि कम से कम उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है, उन लोगों ने मुझे चोट तो नहीं पहुँचाई, वो बस मुझ पर हाथ ही उठा रहे हैं, उन्होंने शस्त्रों का उपयोग तो नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, हो सकता है शिष्य कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का उपयोग भी करें और तुम्हें चोट पहुंचा दें। इस पर शिष्य कहता है, तो मैं यह सोचकर खुश हूंगा कि उन्होंने मुझे छोटी सी चोट पहुंचाई है, मुझे जान से तो नहीं मारा। बुद्ध कहते हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई व्यक्ति तुम्हें जान से भी मार दे। इस बात पर शिष्य कहता है, तो गुरुजी, इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उस कार्य को करते हुए मरूंगा जिसे मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध खुश होकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शिष्य, अब तुम धर्म के प्रचार के लिए पूरी तरह से तैयार हो, अब तुम धर्म के प्रचार के लिए जा सकते हो। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध हमें यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, जरूरी बात यह नहीं है कि आप अच्छी स्थिति के लिए कितने तैयार हो, जरूरी बात यह है कि अगर कोई खराब या बुरी स्थिति आ जाए तो आप पहले से कितने तैयार हो। और अगर आप खराब से खराब स्थिति के लिए पहले से तैयार होते हो तो आप चाहे कितना भी कुछ भी करोगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैं तैयार रहता हूँ हर खराब से खराब स्थिति के लिए, जो मेरे काम करने के बाद मेरे जीवन में आ सकती है। आपका लक्ष्य चाहे कोई भी हो, अगर आप हर खराब से खराब स्थिति के लिए तैयार रहते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। धन्यवाद।